हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर उसको बोलते हम साइंटिफिक नोटेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, देखो जैसे कि एज अ डेफिनेशन हम देखें कि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ शॉर्टर मेथड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर। दिस मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर है, जैसे लार्ज नंबर हम मान लें कि हमें लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे जो इतनी सारी जीरो है, हम इसका क्या करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 जीरो है हमारे पास। तो ये जितनी भी जीरो होती है तो हम इन्हें 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं एज अ पावर, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई। इसका मतलब भी तो ये 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है कि 10 को 6 टाइम लिखना, मतलब उसमें फिर यहाँ पे 6 जीरोस और उसकी मल्टीप्लाई 123 के साथ। अभी देखो ये इतना बड़ा लार्ज नंबर हमने शॉर्ट में लिखा है, तो यही हमारा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस एज एन मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर k, यानी कि जो भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है हम उसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एन मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर k। यहाँ पे जो एन है उसका मतलब क्या है कि वो 1 भी हो सकता है, 1 के इक्वल है, फिर 1 से बड़ा, 10 से छोटा। एन इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। और जो यहाँ पे k है इसका मतलब होता है कि k इज एन इंटीजर, के कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो पावर है 10 की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो कुछ एक एग्जांपल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल है 27.9। तो देखो कैसे करेंगे, एग्जांपल है हमारे पास 27.9। अब यहाँ पे जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें एक डिजिट के बाद को पॉइंट लगाना है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे लाएंगे हम। तो क्या करें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया हमने, ये देखिए कि अगर हम कभी भी किसी भी नंबर के साथ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है ये हमारा राइट साइड जाएगा, और अगर हम इस नंबर को ही 10 से डिवाइड करेंगे जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। तो मतलब हमें तो अभी ये लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इस वाले नंबर को लेंगे हम यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 27.9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.79, क्योंकि हमने डिवाइड किया है तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई 10, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा 216, और कितने जीरो है हमारे 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 216 इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी हम पॉइंट यहाँ पे हमें राइट साइड में चाहिए तो डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे कर देंगे हम 216 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया जिससे कि हमारे इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड करना होता है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे नीचे कितनी जीरो है, 2। अब इतने ही डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगेगा, यानी कि डेसिमल, तो 1 एंड 2 यहाँ पे हो जाएगा 2.16 मल्टीप्लाई, ये क्या है 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 2.16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया 7। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट में दिया होता है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगी। अब हमें फिर इसे हमें क्या करना है कि जो 32 है यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लेके आना है, तो हमने जो 100 था इसी को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख लिया। अब एक 10 हमने 32 के साथ लिया और मल्टीप्लाई 1/10, जब हम 32 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस
वन, माइनस वन इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट था, इसको नेगेटिव में लेके गए हम, तो ये ऐसे करना है। अब ये नेक्स्ट आपको करके देखना है होमवर्क में।